केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 7 साल पूरे होने की खुशी में प्रदेश भर में सेवा दिवस मनाया गया। वहीं झज्जर में भी सेवा दिवस के उपलक्ष्य पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यकर्ताओं समेत हल्का बादली के गांव में घर घर जाकर मास्क सैनिटाइजर वितरित किए। साथ ही इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना की इस महामारी में लोग सामूहिक रूप से ताश खेलने हुक्का पीने से परहेज करें और जब तक जरूरी ना हो तब तक वे अपने घरों से बाहर ना निकले। पूरे हरियाणा भर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 3000 टीमें जिसमें 15000 कार्यकर्ता आज 3 लाख से ज़्यादा परिवारों में पहुंच रहे हैं। 6 लाख से ज़्यादा लोगों को संपर्क करेंगे। सब जगह वो एक सैनिटाइजर लेकर गए हैं, मास्क लेकर गए हैं और एक अपील लेकर गए हैं। गांव-गांव में अपील करेंगे कि भाई सामूहिक रूप से ताश इन दिनों में ना खेलें, क्योंकि ये बीमारी इकट्ठे होने से फैलती है। इकट्ठे होकर हुक्का ना पिए और इन दिनों में जो है अपने घर में रहें। बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें। किसी भाई को बुखार हो जाए, कोई लक्षण पाए जाएं, तो सबसे पहले अपना टेस्ट कराए और इलाज कराए और वैक्सीन जो है वो सब लगवाएं। ये 5 अपील लेकर गए हैं जो काम मोदी जी की सरकार ने कोरोना के समय किए हैं। और कल जो अनाथ बच्चे हो गए उनके लिए जो घोषणा की है उस सब की जानकारी लेकर राज्य सरकार ने भी जो अनाथ बच्चों के लिए घोषणा की है उस सब की जानकारी लेकर ये घर घर जा रहे हैं। और आज शाम तक 6 लाख लोगों को संपर्क करने का, 3 लाख परिवारों तक सेवा करके ये पहुंचाने का अभियान पूर्ण होगा। मैं खुद इस समय खेड़ी सुल्तान गांव में इस सेवा के काम में सहभागी बन रहा हूं। मेरे साथ कार्यकर्ताओं की टीम चली। आपको बता दें कि अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार भाजपा के 3000 कार्यकर्ताओं की टीम जिसमें 15000 कार्यकर्ता मुख्य रूप से शामिल है, उन्होंने रविवार को हरियाणा में 3 लाख परिवारों के साथ संपर्क साधा और कोरोना महामारी से बचाव को लेकर घर घर जाकर लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। तो वहीं इस अवसर पर ओम प्रकाश धनखड़ ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेवारी उठाकर उन्हें राहत प्रदान करने की घोषणा की सराहना करते हुए कहा कि सरकार का ये फैसला सराहनीय कदम है। उन्होंने इस दौरान कहा कि रविवार को पूरे हरियाणा में भी भाजपाइयों द्वारा मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने की खुशी में सेवा दिवस मनाया जा रहा है। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।